हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सदस्यता अभियान के साथ साथ संगठनात्मक चुनाव भी करवाने जा रही है, जिसको लेकर मंगलवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रदेश चुनाव प्रभारी दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सदस्यता अभियान का फीडबैक लिया गया और पार्टी के पदाधिकारियों को 31 मार्च तक सदस्यता अभियान को पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बैठक में ऑनलाइन सदस्यता अभियान शुरू करने पर भी बात की गई। बैठक के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव प्रभारी दीपा दास मुंशी ने पार्टी पदाधिकारियों को घर घर जाकर कांग्रेस के एक्चुअल सदस्य बनाने और डेटाबेस को डिजिटल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां घर तक पहुंचना मुश्किल होगा, वहां पर कांग्रेस मेंबरशिप ऐप के माध्यम से डिजिटली सदस्यता अभियान चलाएगी। उन्होंने ऐप के माध्यम से सदस्यों का रिकॉर्ड बनाने के भी निर्देश दिए। कोरोना के कारण हम लोग मेंबरशिप का काम कर नहीं पाए, तो इसलिए बहुत ही कम समय में हमें ये काम करना है। मैं एसपीआर इसलिए सबको आज ये बता के रही हूँ कि मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट दौरा करूंगी, हर एक ब्लॉक दौरा करूंगी, ताकि जितना कम समय में 31 मार्च तक हमारा समय है। और ये साबित करना है कि हिमाचल में टुकड़े टुकड़े गैंग तो नहीं है, हिमाचल में कांग्रेस है और जीवित है, सक्षम है। सिर्फ सक्षम नाम कांग्रेस के नाम से नहीं है, सक्षम जनता के साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम तोड़ने का राजनीति नहीं करते हैं, जोड़ने का राजनीति करते हैं। आप देश के सामने जो स्थिति है, जो परिस्थिति दिन के दिन बहुत ही बिगड़ रहे हैं, बेरोजगारी कितना बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिकली देश इतना खतरनाक स्थिति के सामना कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, और इसके मद्देनजर रखते हुए हम जितने लोगों के पास ज्यादा पहुंच सकते हैं, हमारा मेंबरशिप जितना बढ़ सकते हैं, हमारा पार्टी का सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की मजबूती नहीं है, लोगों के साथ जोड़ने की मजबूती भी हमें बढ़ाना है। तो इसलिए हम सब एक साथ जुटे हुए हैं, एक साथ मिलकर इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो मेंबरशिप का काम जिस ओर हो रहा है, हम लोग अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे।